नमस्ते मित्रांनो, दोस्त, टेकमेक चॅनल में सभी का स्वागत आहे. आज का वीडियो है वेल्डिंग टेक्निक, एडवांस वेल्डिंग टेक्निक के बारे में. जो वेल्डर ट्रेड के स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए जॉब किस तरह से आते हैं, इसमें अलग अलग टाइप के जॉब के कॉर्नर्स आपको दिखा रहा हूँ मैं. तो आप प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से वेल्डिंग बनाने का. अलग अलग शेप में आपको डायग्राम, पहले डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं. ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है, ये फिलेट वेल्ड इनसाइड कॉर्नर है. यहाँ पे इस तरह से वेल्डिंग करने का है. इसका नाम है फिलेट वेल्ड इनसाइड कॉर्नर जॉइंट. इस तरह से आप जॉब बनाइए अलग अलग. दूसरा जॉब दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये है, ये आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट है. इसका नाम है आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट. ये देखो, ये कॉर्नर जो जॉइंट है वो आउटसाइड में किया है, इसीलिए आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट कहते हैं इसको. तो यहाँ पर आपको एक कॉर्नर में जॉइंट करने के बाद जो वी शेप आता है, यहाँ पे आपको वेल्डिंग करने का है. और ये पोर्शन आपको राइट एंगल आना चाहिए. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए वेल्डिंग सेक्शन में जाके. तो ये देखो, ये यहाँ पे ये कॉर्नर जॉइंट हो रहा है. ये पूरा मटेरियल वी शेप में जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको मेटल भरने का है. तो इस तरह से आपको ये क्लैम करके, यहाँ पे आप सपोर्ट देके, आप इस तरह से पोजीशन करके आप वेल्डिंग के टाके लगा के आप वेल्डिंग कर सकते हैं इस तरह से. और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको. देखो, ये इस जॉब के अंदर आपको पोजीशन दिख रहा है, फ्लैट पोजीशन है, फिलेट लैप जॉइंट फ्लैट पोजीशन. इसका नाम है फिलेट लैप जॉइंट फ्लैट पोजीशन. ये दोनों प्लेट फ्लैट पोजीशन में रखा है, आपको यहाँ पे वेल्डिंग करने का है फिलेट फ्लैट पोजीशन में. तो इसे बोलते हैं फिलेट लैप जॉइंट फ्लैट पोजीशन. ये सभी ड्राइंग जो दिखा रहा है, मैं ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग का जॉब दिखा रहा हूँ मैं. गैस वेल्डिंग से बनाने का है सब आपको इस तरह से. और एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ मैं. देखो, इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है फिलेट टी जॉइंट ऑक्सीएसिटिलीन फ्लैट पोजीशन. इसका जो नाम है फिलेट टी जॉइंट, ऑक्सीएसिटिलीन से बनाने का जॉब फ्लैट पोजीशन में. यह फ्लैट प्लेट है जिसके ऊपर आपको 90 डिग्री में एक प्लेट रख के ऑक्सी एसिडिलीन से आपको ये वेल्डिंग करके दिखाने का है, गैस वेल्डिंग से करने का. देखो, इस तरह से आपको परफेक्ट राइट एंगल आना चाहिए पूरा. और एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ मैं. देखो, ये डायग्राम है, ये भी आपको ऑक्सी एसिडिलीन मेथड से ही बनाने का है. डबल वी बट जॉइंट फ्लैट पोजिशन. यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक वी है, नीचे का भी एक वी दिख रहा है आपको. ये ऊपर का वेल्डिंग करने के बाद आपको नीचे से भी आपको वेल्डिंग करने का है. तो इसे कहते हैं डबल वी बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन. तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप के जॉब बनाइए ऑक्सी एसिटिलीन सिलेंडर से. तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह से अलग अलग जॉब बनते हैं. और एक डायग्राम देखो, ये बढ़िया डायग्राम है, ये गैस वेल्डिंग से ही बनाने का है. कॉपर शीट दिया है, फ्यूजन बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन. इसका प्लेट का थिकनेस है 3.15 का है प्लेट है. ये डायमेंशन आपको दिया है, इस तरह से आपको यहाँ पे कॉपर शीट है, कॉपर शीट के ऊपर फ्यूजन बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन में आपको वेल्डिंग करने का है. गैस वेल्डिंग के हिसाब से आपको करना है. ये देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सभी डायमेंशन ऑल इन एमएम है. इस तरह से ये ज्वाइन करने का देखो. और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं. इस वेल्डिंग का डायग्राम दिख रहा है आपको, ऑक्सी एसिटिलीन से बनाने का है. इसमें स्क्वायर बट जॉइंट, यहाँ पे स्क्वायर बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन में बनाने का है. ये देखो, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पे. ये इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पे इसका इस तरह से शेप आना चाहिए यहाँ पे, और इसमें मटेरियल भरने का इस तरह से.
तो ये आपको समझ गया, इस तरह से मटेरियल भरेंगे, ये दोनों पोजीशन में लेवल में होना चाहिए, ये सब इस तरह से अलग अलग वेल्डिंग सेक्शन में जॉब पूछे जाते हैं, आपको करने पड़ते हैं। और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये वर्टिकल पोजीशन में जॉब है, देखो इस तरह से जॉब बनाने का है। इसके लिए आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों साइड में वेल्डिंग के टाके लिए हैं, और ये एक प्लेट है, एक प्लेट यहाँ पे वेल्डिंग करने का, ये 90 डिग्री में आना चाहिए, ये डिस्टेंस भी परफेक्ट होना चाहिए। तो ये भी आपको गैस वेल्डिंग से ही बनाने का है, जिसका लंबाई दिया है 150, विड्थ दिया है 50, और थिकनेस है, स्मॉल थिकनेस है प्लेट का 1.6 mm का फिलर रॉड यूज करने का है। यहाँ से देखो, यहाँ पे इस तरह से, और वेल्डिंग का पोजीशन भी देखो, गैस वेल्डिंग का इस तरह से ये करने का आपको, तो ये आपको आइडिया आ गया होगा। और एक ड्राइंग दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो, ये दो पाइप को इस तरह से गैस वेल्डिंग के पोजीशन से, आपको माइल्ड स्टील पाइप है ये, इसके ऊपर बट ज्वाइंट वेल्डिंग करने का है। यहाँ पे बट वेल्डिंग ज्वाइंट पाइप, बट वेल्डिंग ज्वाइंट, इसका जो लंबाई है 202, और इसका बीच में मिडल में ये देखो, ये 2 mm का ये करने का है, 100 दोनों तरफ आना चाहिए, और वेल्डिंग 2 mm के इसमें होना चाहिए। ये भी आपको गैस वेल्डिंग से ही बनाने का है। इसका आउटसाइड डायमीटर 50 दिया है पाइप का, अंदर से हेलो है इस तरह से। ये हो गए सब ड्राइंग गैस के ऊपर, आपको गैस वेल्डिंग से बनाने का है। अभी आपको आर्क वेल्डिंग का डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, देखो ये आर्क वेल्डिंग का डायग्राम है, ये आर्क वेल्डिंग से बनाने का है। इसका फिलेट वेल्ड टी जॉइंट फ्लैट पोजीशन इसमें बनाने का है, फिलेट वेल्ड टी जॉइंट फ्लैट पोजीशन इस तरह से यहाँ पे वेल्डिंग करने है। ये 90 डिग्री बराबर आना चाहिए, ये फ्लैट पोजीशन बराबर आना चाहिए। और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आर्क वेल्डिंग का, देखो ये इस डायग्राम के अंदर आर्क वेल्डिंग से बनाने का है, सिंगल बिवेल बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन, ये आर्क वेल्डिंग से बनाने का है। ये यहाँ पे देखो वी शेप आ रहा है, बट जॉइंट दिख रहा है देखो यहाँ पे, तो ये इस तरह से इसके अंदर गैप भरने का है पूरा, और आर्क वेल्डिंग मेथड से। इसका नाम है सिंगल बिवेल बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन। और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, देखो और एक डायग्राम है आर्क वेल्डिंग से बनाने का है, इसका सिंगल जे बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन में है। देखो यहाँ पे जे है, जे शेप दिख रहा है, यहाँ पे आपको वेल्डिंग भरने का है। ये भी आपको आर्क वेल्डिंग से बना के दिखाने का है। इसे बोलते हैं सिंगल जे बट जॉइंट से फ्लैट पोजीशन। ये फ्लैट पोजीशन है, दोनों का फ्लैट है, और ये जे शेप दिख रहा है, इसीलिए बट जॉइंट कहते हैं। और एक डायग्राम दिखा रहा हूं, इस डायग्राम के अंदर देखो आपको दोनों तरफ डबल बिवेल बट जॉइंट दिख रहा है। देखो यहाँ पे एक है, नीचे से भी एक है, तो ये आपको यहाँ से भी वेल्डिंग करने है, नीचे से भी करने का, तो आर्क वेल्डिंग से ही बनाने का। इसका जो डायग्राम देख के आप समझ जाएंगे कि दोनों तरफ आपको वेल्डिंग करने का है। इसका नाम है डबल बिवेल बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन। ये फ्लैट पोजीशन है इसीलिए फ्लैट पोजीशन कहते हैं, और इसको शेप दिया है डबल, दोनों साइड में दिया है, बट जॉइंट है, बिवेल है, देखो इस तरह से। और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ से आपको क्लियर मालूम पड़ रहा है, ये वी शेप है दोनों तरफ, ये यहाँ से ये देखो आपको क्लियर समझ रहा है। इसका नाम है डबल वी बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन। ये फ्लैट पोजीशन है और दोनों साइड में वी शेप बनाने का है, तो इसीलिए ये सब आर्क वेल्डिंग से बनाने का है, डबल वी बट जॉइंट फ्लैट पोजीशन। तो ये आपको बहुत आइडिया आ गया होगा किस तरह से जॉब बनाने पड़ते हैं। और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ,
तो कोई इसका नाम है सिंगल वी बट जॉइंट। ये देखो यहाँ पे सिंगल वी बट जॉइंट दिख रहा है, ये फाइनल कवरिंग ब्रिड्स दिख रहा है, ये नीचे का जो है इंटरमीडिएट ब्रिड्स दिख रहा है, ये दोनों को ज्वाइन करता है। और लंबाई 150 बनाने का, थिकनेस 10 mm है, दोनों प्लेट का विड्थ है 50 mm है। इस तरह से अलग अलग टाइप के वेल्डिंग वेल्डर को जॉब बनाने पड़ते हैं। ये आर्क वेल्डिंग से बनाने बना के दिखाने का आपको, और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम को आपको देखो वर्टिकल पोजीशन में दिख रहा है, ये इसका नाम है सिंगल वी बट जॉइंट ओवरहेड पोजीशन। इसका जो पोजीशन है ओवरहेड है, यहाँ से नीचे से आपको वेल्डिंग करने का है और ये प्लेट जॉइंट करके दिखाने का। तो ये यहाँ से इस तरह से वेल्डिंग करते करते इसके कहते हैं सिंगल वी बट जॉइंट ओवरहेड पोजीशन। इसका पोजीशन है ओवरहेड है, ये भी आपको आर्क वेल्डिंग से ही बनाने का है। और एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, देखो तो ये डायग्राम है, इसका ही डायमेंशन सब mm में है, 80 mm दोनों जॉइन करने के बाद दिखना चाहिए। लंबाई 150 है, थिकनेस 10 mm है, और यहाँ से आपको 30 और 20 का मार्किंग करके यहाँ पे आपको वेल्डिंग करने का इस तरह से। तो ये आपको हो जाएगा लैप जॉइंट फिलेट वेल्ड ओवरहेड पोजीशन, ये भी आपको ओवरहेड पोजीशन में बनाने का है। फ्लैट लैप जॉइंट फिलेट ओवरहेड पोजीशन इसका नाम है। इस तरह से वेल्डर को अलग अलग जॉब बनाने पड़ते हैं। और एक पाइप का डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, और एक है देखो ये स्क्वायर बट कॉपर सीट फ्लैट पोजीशन में जॉब बनाने का है। देखो ये कॉपर सीट है, इसका थिकनेस है 3 mm, इस तरह से ये आपको बनाने का है। गैस वेल्डिंग से बनाने का है। इसके बाद ये आर्क वेल्डिंग से जॉब दिया है, देखो यहाँ से आपको दो पाइप ज्वाइन करके दिखाने का है। और ये देखो वेल्डिंग इस तरह से सेम आना चाहिए, एक वेल्डर परफेक्ट रहेगा तो ये सब वेल्डिंग परफेक्ट आता है। और ये हेलो पाइप है, यहाँ से दोनों साइड में से इक्वल सेम डिस्टेंस आना चाहिए। और ये वेल्डिंग का 5 mm का थिकनेस दिया है यहाँ पे, और 75 दोनों तरफ आना चाहिए। इस तरह से बीच में हेलो है, तो ये आपको करंट बराबर सेट करके आप आर्क वेल्डिंग से करके दिखाना चाहिए। अगर ये एक साल में इतना आप जॉब करेंगे तो आप एक्सपर्ट टर्नर 100% बन जाते हैं। तो आपको एक साल के बाद आपको अप्रेंटिस मिल जाता है, अप्रेंटिस करने के बाद कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाते हैं, या कंपनी में अच्छे तरह से आपको पेमेंट भी वेल्डर को बहुत अच्छा रहता है। इस तरह से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए और आगे जाइए। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसलिए टेक्मैक चैनल की तरफ से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।